गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पुस्तक नंबर 35 जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है एंड आपका चैप्टर साथ ही हाथ बढ़ाना, जिसकी डेट है 26 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है साथ ही हाथ बढ़ाना, और इसके रचनाकार हैं, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी। जो चलिए गुनगुनाते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना। काव्यांश है भावार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और गाइए। तो सबसे पहले हम साथ ही हाथ बढ़ाना अपनी काव्यांश पढ़ते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम तो चाहे पैदा कर ले चट्टानों में राहें। तो इसका भावार्थ समझते हैं। कवि ने इस गीत में एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है, एक अकेला बोझ उठाते उठाते थक जाता है। आपस में परस्पर सहयोग से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। मिलकर कार्य करने में बड़ी बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। असंभव दिखने वाले कार्य को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो ये हमारा काव्यांश कहता है। ये गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। कवि ने इस गीत में मनुष्यों के हिम्मत और साहस को दर्शाया है। आज उसकी हिम्मत के कारण ही असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। सागर में पुलों का निर्माण हो गया है, जहाज़ों का निर्माण हुआ है, पर्वतों को काटकर रास्तों का निर्माण बना है, दुर्गम स्थानों पर ट्रेनों को जाने के लिए मार्ग बनाना उसकी मेहनत, हिम्मत व साहस का ही परिणाम है। सीने की फौलादी बताया जो कि उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। बाहों को फौलादी कहा है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में सफल होता है। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत के कवि का क्या नाम है? केदारनाथ, साहिल लुधियानवी, कुडाकर मूले या महादेवी वर्मा? तो वो है साहिल लुधियानवी। तो इसमें आपका खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने सीने और बाहें कैसी हैं? तो अपनी सीने और बाहें फौलादी हैं। तो इसमें आपका फौलादी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया? तो ये नया दौर के लिए लिखा गया था। चौथा प्रश्न है, असंभव दिखने वाला कार्य भी सरल होता आता है जब हम मिलकर करते हैं। तो इसमें आपका खा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर खा पे टिक कर लेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट है वो कम्प्लीट होती है। इसमें गतिविधि दे रखी है, आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जो मिलकर करते हैं। तो घर की सफाई, घर की सजावट, पढ़ाई, रात का खाना, पेड़ पौधे में पानी देना आदि, ये सब काम हम परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करते हैं। आप इसे कर लेंगे। वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।